एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली रिव्यू। आज हम करेंगे पॉन्स बीबी क्रीम से एक मेकअप लुक क्रिएट। गाइस, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो तुरंत कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेस को मैंने क्लीन कर लिया है एंड टोन कर लिया है और मैं लगा रही हूँ लैक्टोकैलामाइन फेस पे, क्योंकि लैक्टोकैलामाइन एज अ प्राइमर भी बहुत बेस्ट है लगाना। तो एज अ प्राइमर ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, तो इसे मैं अच्छे से लगा के अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, आप देख सकते हैं। एंड ये रही पॉन्स की बीबी प्लस ब्यूटी क्रीम। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा शेड है 01 ओरिजिनल शेड। पॉन्स की जो बीबी क्रीम है दोस्तों, सबसे बढ़िया बात है कि ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं एंड ये SPF के साथ आती है, जो कि SPF 30 इसमें, विच इज़ रियली वेरी गुड विथ PA++। एक्सेलेंट प्रोडक्ट है गाइस एंड इसे डॉटेड फॉर्म में लगा रही हूँ ऑल ओवर माई फेस। SPF के साथ आती है, 30 SPF के साथ है, विच इज़ इनफ फॉर 4 to 5 hours गाइज। 30 SPF PA++, तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ओनली दोस्तों। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको कोई टूल अलग से नहीं लगेगा, आप फिंगर्स की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। इसका जो टेक्स्चर एक्सट्रीमली लाइट वेटलेस टेक्स्चर है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं अपने फेस पे कुछ लगाया और आपका फेस बहुत नेचुरल और ग्लोइंग लगेगा दोस्तों। एंड इसकी अलग से इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पे है विद फुल डिटेल्स गाइस, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सेम मैं इसे एज अ अंडर आई भी मतलब यूज़ कर रही हूँ, अलग से मैं कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैंने सोचा आज ये मेकअप लुक आप सभी के साथ शेयर करूँ विद पॉन्स बीबी क्रीम। एंड आप देख सकते हैं इवनली ब्लेंड करके फेस पे कितना सुंदर सा निखार आ गया है गाइस। टीनेजर्स ये लुक डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकती हैं। एंड ये है मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी SPF कंटेन करता है गाइस, ये SPF 24 कंटेन करता है विद PA++। सो यू गाइस कैन इमेजिन, आप कम्प्लीटली सन प्रोटेक्शन में रहेंगे अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स ही आपने अप्लाई कर लिया है तो। मेरा शेड पर्ल है इसमें, जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है मेबलिन सुपर फ्रेश का। SPF 30 के साथ आती है PA++ पॉन्स की बीबी क्रीम, ये SPF 24 PA++ के साथ आती है, तो फिर बहुत बढ़िया बात होगी है, मतलब बहुत बढ़िया बात होगी है, फुल सन प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। एंड आप मेरा लुक देख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली वेटलेस, लगेगा ही नहीं आपने फेस पे कुछ लगाया है। ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, समर्स में आप डेफिनेटली इसे यूज़ करें, हर एक स्किन टाइप वाला इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को तो डेफिनेटली कहूँगी मैं कि ये कॉम्पैक्ट आप यूज़ करें, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। एंड नाउ मैं कोई आई शेडो नहीं लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि आप जब लास्ट में मेरा लुक देखेंगे ना तो आपको लगेगा एक शीयर कवरेज आई है मेरे आईलिड्स पे, ऐसा लगेगा आपको एक शीयर मैंने कोई न्यूड शेड लगाया हुआ है अपने आईलिड्स पे। आप देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, ज़रूर देखिएगा। एंड मैं लगा रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल से, मैं अपने आईब्रोज़ को फिल अप कर रही हूँ गाइस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आईब्रो पेंसिल, वेरी सून मैं इसकी रिव्यू भी करूँगी अपने चैनल पर। मेरा शेड लाइट ब्राउन है इसमें दोस्तों, एंड मैं इसे अभी पेंसिल से अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश इसके साथ ही दूसरे साइड में अटैच्ड है, ब्रश की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है गाइस, तो आप ये देख सकते हैं। एंड बहुत इजीली ग्लाइड हो जाता है ये, जो इसकी जो पेंसिल की जो टेक्सचर है ना, बहुत स्मूथ है एंड ब्रश इज़ रियली वेरी गुड। तो मैं अपने अभी आईब्रोज़ को अच्छे से सेटल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश, गाइस कैन सी। इट्स अ वेरी सिंपल लुक, वेरी इजी लुक। जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, अगर आप कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा कोई फाउंडेशन नहीं आपको पसंद आता कि भाई बहुत गर्मी है, फाउंडेशन इतना वेट कौन फेस पे डाले एंड ऑल, क्योंकि फाउंडेशंस जो रहते हैं वो हैवी एक वेट आपके फेस पे ले आते हैं, तो आप ये पॉन्स बीबी क्रीम से अपना मेकअप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। एंड ये नेक्स्ट है मेरी मेबलिन कोलोसल काजल, प्रिंट जो पेंसिल का है वो कम्प्लीटली निकल चुका है, क्योंकि आई होप आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते ही होंगे जो पाउच में आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रखते हैं तो वो जो है फेड आउट हो जाते हैं। एंड मैं एक अच्छा सा थिक काजल क्रिएट कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन में विथ अ स्मॉल विंग, आई एम क्रिएटिंग माई दिस काजल लुक। तो मैंने आपसे कहा आप कोई छोटा मोटा जैसे बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप ये मेकअप कर सकते हैं गाइस विद दिस पॉन्स बीबी क्रीम एंड दिस मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। एंड दिस इज़ माई L18 कलर पॉप स्मैट लिपस्टिक, वेरी ब्यूटिफुल शेड, वेरी ब्यूटिफुल शेड, बहुत समरी शेड है ये, मतलब समर्स में ऐसे जो शेड्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं आपके फेस पे। एंड जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सभी मैं डिस्क्रिप्शन में सबके नाम, नंबर
और शेड नंबर सब मैं प्रोवाइड कर दूंगी गाइज़, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। परचेस लिंक्स भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट्स मिलते हैं जो आपको ऑफलाइन नहीं मिल पाते गाइज। यू कैन सी द शेड, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल शेड गाइज। एंड लास्ट स्टेप इज़ माई मस्कारा। मस्कारा ऑप्शनल है बट अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगी मस्कारा आप लगाएं, आपकी आंखों को एक बहुत सुंदर सा लुक दे देता है मस्कारा। ये मेरा लोटस का ऑपुलेंस मस्कारा है गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्कारा। ये भी जो इसका शेड जो है फेड आउट हो चुका है। आई डोंट नो, मतलब ये जो पाउच में रखो ना कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट्स, वो ऐसे ही होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यू कैन सी माई आईलिड्स, ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई शेयर शेड का आई शेडो लगाया हुआ है। आप देखिए, ध्यान से देखिए मेरे आईलिड्स को गाइस। हालांकि मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया बट यू कैन सी माई आईलिड्स, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल विदाउट अप्लाइंग एनी आई शेडो। तो आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये फर्स्ट हेयर स्टाइल है विद ओपन हेयर, आप ऐसे इस तरीके से ओपन हेयर भी रख सकते हैं। एंड मेरा लुक कम्प्लीट हो चुका है, मैं आपको अभी कपड़े चेंज करके मिलती हूँ। तो आप ओपन हेयर रख सकते हैं। सेकेंड, मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज कर ली है गाइस। एंड सेकेंड हेयर स्टाइल इज़ आप एक हाई बन रख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने रखा हुआ है हाई बन। एंड फेस पे इतना लाइट फील हो रहा है, लगता ही नहीं है कि कुछ मेकअप किया हुआ है, और आप सुंदर लगेंगे दोस्तों, मतलब मेरे फेस को देख ही सकते हैं, गाइस कैन सी। एंड इस तरीके से आप हाई बन रख सकते हैं। मैं आपको थर्ड हेयर स्टाइल भी बता देती हूँ। अब मैं पहले बाल ओपन कर लेती हूँ, ये साइड पिंस भी निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे न्यू बेबी हेयर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल मेरे यहाँ से आ रहे हैं, तो वो आगे आगे आते तो इसलिए मुझे पिंस लगानी पड़ती है। एंड एक हाई पोनीटेल आप कर सकते हैं, वो भी एक बहुत सुंदर लुक देती है। जैसे कोई टीनेजर अगर ये मेकअप अपने कॉलेज पे यूज़ करना चाहता है ऐसा मेकअप लुक, तो आप हाई पोनीटेल कर सकते हैं। हाई पोनीटेल्स टीनेजर्स के ऊपर बहुत प्यारी लगती है गाइस, एंड मेरे पे भी बहुत प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मेकअप लुक को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, बाय।